नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज बात करूंगा एक और गुदा मार्ग की बीमारी होती है जिसको इंग्लिश टर्म में पेरिएनल एप्सिस बोला जाता है। मतलब आप कभी कुछ प्रॉब्लम हो गई हो, आपको जलन दर्द वगैरह हो गया हो, आप डॉक्टर के पास जाते हैं और वो डायग्नोस करते हैं तो रिपोर्ट में लिखा हुआ आता है पेरिएनल एप्सिस। तो ये पेरिएनल एप्सिस क्या होता है, क्या कारण होते हैं और इसका इलाज कैसे होता है, इसके बारे में आज चर्चा करते हैं। बने रहिए वीडियो के साथ। दोस्तों सबसे पहले बात करता हूँ पेरिएनल एप्सिस होता क्या है। देखिए पेरिएनल का मतलब हो गया, एनल से आपका मतलब है, एनल आपका आप सभी जानते ही हैं गुदा मार्ग की जो कैनल होती है उसको एनल बोला जाता है। और एप्सिस का मतलब होता है दोस्तों कि फोड़ा, कहीं पे भी आपके बॉडी के अंदर फोड़ा होता है उसको एप्सिस बोला जाता है। इंग्लिश वर्ड में जो मेडिकल टर्म होता है उसको एप्सिस बोला जाता है, हम बोलचाल की भाषा में उसको फोड़ा फुंसी ये सब बोल देते हैं। तो पेरिएनल एप्सिस का मतलब होता है आपके मल द्वार की जो एनल कैनाल होती हैं उसके या तो अंदर या उसके बीच में या फिर जो है उसके मुख के ऊपर कहीं पे भी अगर या फिर जो है मुख के आसपास भी अगर फोड़ा हो जाता है तो उसको पेरिएनल एप्सिस बोला जाता है। देखो दोस्तों फोड़ा वैसे छोटी मोटी फुंसी होना तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो जो है खैर अपने आप ठीक हो जाती हैं, लेकिन अगर फोड़ा जो है कुछ साइज में बड़ा हो जाए या उसमें पस ज़्यादा बढ़ जाए तो फिर जो है वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देता है। बात करूँ कि इसके कारण क्या हो सकते हैं पेरिएनल एप्सिस के, तो इसका सबसे बड़ा कारण है दोस्तों फिशर। जिन लोगों में फिशर होता है वो अगर हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं, अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो फिशर का जो कट लगा हुआ होता है, पेरिएनल एप्सिस बनने का कारण है दोस्तों बाहर से जो बैक्टीरिया होते हैं वो आपके शरीर के अंदर जो है एंटर कर जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनको बोला जाता है, वो जो आपके शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। तो प्रवेश करने का तरीका क्या होगा, या तो कहीं घाव लगा हुआ है उसके थ्रू प्रवेश कर जाएंगे या फिर जो ब्लड के थ्रू प्रवेश कर जाएंगे। तो दोस्तों आपकी बॉडी के अंदर कहीं पर भी घाव होता है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बहुत ही अच्छा रास्ता हो जाता है आपकी बॉडी के अंदर प्रवेश करने का, फिर वो बॉडी के अंदर जाके आपके पस का निर्माण करते हैं, आपके फोड़ा बनाते हैं। तो एक तो सबसे बड़ा कारण ये है कि अगर आपको फिशर हैं तो फिशर में जैसे कट लगता है तो वहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपका जो है पेरिएनल एप्सिस बन सकता है। दूसरा कारण होता है कि आपका जो है मल बहुत हार्ड हो गया है और बहुत समय से हार्ड है, तो उससे क्या होता है कि आपकी जो एनल कैनाल होती हैं उसके अंदर रेडनेस आ जाती हैं, क्योंकि बार बार फ्रिक्शन से वहाँ पे जो है स्किन छिलने लगती हैं, रेडनेस आ जाती हैं और वहाँ पे सूजन हो जाती हैं और बाद में यही सूजन जो है पस का रूप ले लेती हैं। दूसरा कारण ये भी हो सकता है आपका जो पेरिएनल का जो एरिया होता है उसके अंदर किसी प्रकार की कोई चोट लगी हो और वो चोट जो है अभी बाद में जाके जो है पस का रूप ले लेती हैं और वहाँ पे फोड़ा बन जाता है। ये कुछ कारण होते हैं दोस्तों कि आपके पेरिएनल एरिया में जो है पस बन गया है, फोड़ा बन गया है। बात करते हैं कि इसका ट्रीटमेंट क्या है। देखिए दोस्तों अगर आपको पेरिएनल का जो एप्सिस बन गया है इसका आपको ट्रीटमेंट करना है तो इसका ट्रीटमेंट यही होता है कि वो जो फोड़ा है उसको आपको या तो उसके अंदर जो पस है वो आप निकाल लें या जो है फोड़ा जो है अपने आप ऑटोमेटिकली जो है धीरे धीरे नीचे बैठ जाए। देखिए दोस्तों अगर बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया है और फोड़ा बहुत बड़ी साइज में हो गया है तो फिर होम ट्रीटमेंट इसके लिए नहीं हो सकता है, आप घरेलू नुस्खे इस्तेमाल करेंगे लेकिन इसके ऊपर जो है एप्लीकेबल नहीं होंगे। इसके लिए फिर आपको क्या है कि सर्जरी करनी पड़ेगी और डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा आपको, डॉक्टर जो है आपको पेरिएनल का जो एरिया होता है वो जो है एकदम सुन कर देते हैं, उसके बाद फोड़े को जो है काट करके उसके अंदर का पस निकाल लेते हैं, जिससे क्या होता है वो पस जो है आगे और नहीं फैल पाता है और आपका जो है दर्द भी कम हो जाता है। लेकिन अगर आपका छोटा है, अभी जो एप्सिस बना है वो छोटा है, तो इसके लिए आपको ट्राई कर सकते हैं। जैसे आपको अगर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा हो तो आप जो है बर्फ़ जो होती है उसकी सिकाई कर सकते हैं, बर्फ़ जो है आप लेके उसके ऊपर सिकाई करेंगे तो उससे क्या उसकी रेडनेस भी कम होगी, सूजन भी कम होगी, आपको दर्द भी कम होगा। दोस्तों एक नुस्खा और बहुत बढ़िया है, आप जो होते हैं गुड़ जो होता है उसको हल्का सा गर्म करके आपके अगर पेरिएनल के एरिया पे उस फोड़े के ऊपर आप गुड़ को लगा के पट्टी बांध देते हैं तो गुड़ के अंदर ये गुण होते हैं दोस्तों कि वो आपका जो एप्सिस बना है, जो आपका फोड़ा बना है उसको जो है एकदम पिचक देता है, उसकी सूजन को कम कर देता है और दर्द भी आपका कम हो जाता है। उसके बाद जो है आप हल्के से उसकी सुई चुबो के भी उसका जो पस निकाल सकते हैं, लेकिन वो जो है छोटी स्थिति में करना सही रहता है
और इसमें जो है दोस्तों, अगर सुई अगर आपकी इन्फेक्टेड है तो इसमें इन्फेक्शन के भी चांसेस होते हैं, तो इसको सावधानी से करना चाहिए। जिससे भी आप कर रहे हैं तो उसको सबसे पहले स्टरलाइज करें, उसको जो है पूरा एकदम जो अच्छे से कीटाणु रहित बनाएं, उसके बाद जो है ये करेंगे तो अच्छा रहेगा। और बाकी अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो और भी अच्छा है। तो दोनों तरीके मैंने आपको बता दिया दोस्तों, आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।